प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रस्थानम पिक्चर के बारे में। दरअसल ये एक हिंदी पिक्चर प्रस्थानम है, जिसमें संजय दत्त हीरो के रोल कर रहे हैं। दरअसल ये पिक्चर 2015 में रिलीज हो चुकी है तेलुगु में। दरअसल उसी पिक्चर को रीमेक कर किया गया है और नाम भी वही रखा गया है, स्टोरी भी वही इस हिंदी में रीमेक किया गया है। दरअसल ये पिक्चर के प्रोड्यूसर संजय दत्त के खुद उनके वाइफ ही है, जैसे इसे होम प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। संजय दत्त इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं, एक बाप का रोल कर रहे हैं। दरअसल लीड रोल इस पिक्चर में उनका ही है और उनकी वाइफ की रोल कर रहे हैं है हमारे मनीषा कोइराला, जो काफ़ी पुराने और फेमस एक्टर्स हैं। और आमिया दस्तूर सपोर्टिंग एक्टर्स की तौर में, और जैकी श्रॉफ वो भी सपोर्टिंग एक्टर है, और जुंगी पांडे वो भी एक सपोर्टिंग एक्टर, एक विलन की रोल किरदार निभाते हैं, और उनके दो बेटे जो अली फैजल और सत्यजीत रॉय, सत्यजीत दुबे इसमें पिक्चर में दिखाई देते हैं। जैसल स्टोरी जो है घर के आपसी मामले में है, क्योंकि संजय दत्त एक बड़े और काफ़ी फेमस एक पॉलिटिशियन होते हैं, और उनका ये होता है कि दरअसल अगला वारिस कौन होगा और कौन उनका पॉलिटिक्स का सत्ता कौन संभालेगा। तो वो अपने बड़े बेटे को चुनते हैं, क्योंकि उनके बड़े बेटे कभी सोच समझ के और जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, और जो भी करते हैं अपने हित में करते हैं। जैसे ये बात उनके छोटे बेटे को अकड़ती है, जो उन्हें पसंद नहीं आता है, और क्योंकि वो हर एक काम जल्दबाजी में करते हैं, सोचे समझे बगैर करते हैं, इसके लिए संजय दत्त उन्हें नहीं चुनते हैं, उनके बड़े बेटे को चुनते हैं कि वो उसके लायक है। पर दोनों में आपसी मामला होता है, आपस में झगड़ा होता है, और इसका सही फायदा उठा के रहते हैं चुंगी पांडे, जो विलन के रोल कर रहे हैं। दरअसल पिक्चर अच्छा है अगर आप एक पॉलिटिकल एक्शन मूवी देखना चाहते हैं, तो आपके लिए पिक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा। दरअसल पहले आधा पिक्चर में तो सबका इंट्रोडक्शन में जाता है, उसका आधे पिक्चर में हाफ सेकेंड हाफ में तो ठीक है चल पिक्चर आप देख सकते हैं। दरअसल ये पिक्चर ऐसे पिक्चर काफ़ी हिंदी में रिलीज़ हो चुके हैं, पर ऐसे पिक्चर भी चल जाते हैं ऐसे स्टोरी में, वैसा ही एक पिक्चर है, एक और पिक्चर ऐसे कह सकते हैं। पर ये पिक्चर एक बार देखने लायक है अगर आप थोड़ा एक्शन और संजू दादा के फैन हैं, तो वाकई आप पिक्चर जरूर देखिएगा। आप इस पिक्चर में देखेंगे तो अपने संजय दादा का ही खास एक्टिंग है, और खास उनका वो प्रेजेंटेशन है, उनका एकदम अलग अलग अंदाज है। वैसे इस पिक्चर में जो ही बेटे के रोल किए हैं उनका इतना कुछ खास नहीं है, बल्कि संजय दत्त जी का ही सब कुछ है, और वाकई काफ़ी अच्छा एक्टिंग है, वही दमदार एक्टिंग और देखने लायक है पिक्चर। आप संजू दादा का फैन है तो आप जरूर देखेंगे, जो देखना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पिक्चर जाके थिएटर में देखिएगा, और कमेंट्स का सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे चैनल सत्या भैरवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, अपने घर परिवारों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।